हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो मैंने इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट किया है उसके बारे में हम जल्दी डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग मुझे ग्रीन कैंडल कल बनते हुए नज़र आ रही है, तो बहुत हाई चांसेस है कल एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे जो मैंने स्टॉक जो है वो सिलेक्ट किया है वो है पॉलीप्लेक्स। अगर यहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत ही अच्छा एक डाउन ट्रेंड, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया और इसने एक अच्छी रैली हमें दिखाई। तो इस रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट आने की बजाय यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस लेवल पे जो है वो रेड कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बन रही हैं। तो जब भी रिट्रेसमेंट के टाइम पे छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं रेड कैंडल्स, तो उसके बाद बहुत हाई चांसेस है कि सपोर्ट के पास एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकती है एक इंट्राडे में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ये सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहीं से ही एक अच्छी खासी बाइंग आई हुई है। तो कल जो है वो मेरे हिसाब से मार्केट अगर सपोज ये लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यानी कि जहाँ क्लोज हुआ है वहीं कहीं आसपास, या फिर इस लाइन के नीचे यानी कि 1300 के नीचे अगर ओपन होता है, तो ये जैसे ही क्रॉस करेगा तो उस वक्त ये एक अपने लास्ट स्विंग के आसपास तो डेफिनेटली जाने को जाएगा ही जाएगा। 1317 तो ये जाएगा, तो ऑलमोस्ट अराउंड ये कितना परसेंट हो सकता है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट अराउंड ये 2% के अराउंड या 1.9% हो सकता है। तो इतना तो ये इजीली ट्रेड करेगा कल के दिन अगर ये ऊपर जाता है तो। नीचे से अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही बाय करेंगे। लेकिन अगर ये नीचे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो जो भी कैंडल 5 मिनट्स की क्लोज ऊपर होती है, तो वहाँ पे हम एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, और स्टॉप लॉस आप ज़्यादा नहीं रखें, 1:2 तो मिनिमम रखना ही रखना है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और इस हिसाब से हम कल इस स्टॉक में एक अच्छा कैंडल बनते हुए देख सकते हैं, एक ग्रीन कैंडल बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर भी ये क्लोज देने की कोशिश करता है कल के दिन में, तो हो सकता है कि ये अपने सेकंड स्विंग के आसपास यहाँ पे जाके भी क्लोज हो सकता है। तो कल इस स्टॉक में मूवमेंट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपको एंट्री लेवल टारगेट स्टॉप लॉस पता चल गए होंगे। अगर आप इसमें ट्रेड करने का सोच रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें। तो यहाँ तो मैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से जो मुझे आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट या फिर कोई स्ट्रेटजी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई ऑप्शंस सेलिंग या ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी का आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप पिंग कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं मैं। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें तो यहां पे मैंने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी जो एक पुष्करा जी के वीडियो पे चैनल पे दिखाई गई थी, उसका बैक टेस्टिंग का पूरा रिजल्ट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 16 महीने का, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और 2 वेज मैंने इसको टेस्ट किया है कि अगर आप मंथली इतना परसेंटेज बुक कर लो या फिर अपना एक्सपायरी के दिन एग्जिट 3 बजे ही लो, तो क्या रिजल्ट आता है दोनों के हिसाब से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।